हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 8। क्या करा एक कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कैसेट्स एंड इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस फॉर अ वीक आर। यहाँ पे देखिए कॉस्ट और रेवेन्यू का यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। वी आर एक्स इज द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड, एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस एंड एंड सोल्ड इन अ वीक। अच्छा, ये एक्स जो है इतने नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस होते हैं और एक वीक में सोल्ड हो जाते हैं। हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड फॉर द कंपनी फॉर रियलाइज अ प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट के लिए कितना मतलब ये कैसेट प्रोड्यूस कर रही है, मिनिमम कितना कैसेट प्रोड्यूस करेगी ये हमें बताना है, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया है कॉस्ट 300 प्लस का 3/2x, ठीक है, एंड रेवेन्यू दिया है 2x, ठीक है। तो रेवेन्यू है ये और ये आपका कॉस्ट है। तो अगर प्रॉफिट निकालना है हमें तो प्रॉफिट किसके इक्वल हो जाएगा, रेवेन्यू में से जो कॉस्ट लगा उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 2x में से माइनस कर देंगे 300 प्लस 3/2x। तो आ जाएगा यहाँ पर 2x माइनस का 300 माइनस का 3/2x, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2, 4x माइनस का 3x और माइनस का 300। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वो आ जाएगा x बाई 2 माइनस का 300, ये आपका प्रॉफिट दिख रहा है। अब देखिए प्रॉफिट के लिए तो फॉर यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर प्रॉफिट। अच्छा, जो प्रॉफिट जो होगा वह आपका आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही ना होगा, कुछ भी हो, कितना भी रुपए का प्रॉफिट हो वो आपका जीरो से ग्रेटर ही होगा, माइनस में तो प्रॉफिट नहीं हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं, एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन 300, यानी आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 600, यानी कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ कैसेट्स है इन ए वीक, यानी कि कितना हमें यहाँ पे मोर देन 600 कैसेट प्रोड्यूस करेगी प्रॉफिट के लिए, है ना जी। देयरफॉर लिख सकते हैं मोर देन 600 कैसेट्स सोल्ड टू रियलाइज अ प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर